थैंक यू। सबसे पहले सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकमिंग मी हियर एंड आई रियली फील ऑनर्ड सिटिंग हियर अमंग ऑल ऑफ यू और आप लोगों के बीच में रह के अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा वेलकम मुझे मिला है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ आना पड़े। एकदम गांव होगा, गांव की तरह होगा। अगर इतने साल के बाद अब डेवलप हो रहा है तो बहुत ही मतलब उसकी कंडीशन पता नहीं कैसी रही होगी। मेरठ कितने साल बाद लौट के आई हैं? मैं बीच बीच में आती रहती हूँ। मंदाकिनी जी, आपने जैसे इतनी बड़ी हिट मूवी दी है, उसके बाद आप बीच में थोड़ा नहीं जा रही हूँ और नई मूवीज के बारे में अभी बता नहीं सकती हूँ क्योंकि प्लानिंग है। प्लानिंग है? हाँ जी, अभी प्लानिंग है, नई पिक्चर। हाँ जी, प्लानिंग है, इसलिए अभी बहुत जल्दी है, इसलिए बता नहीं पाऊंगी। देखते हैं पर्सनली आपके विचारों में। मैं बहुत कम देखती हूँ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता, कम टाइम मिलता है देखने का। और जब लोग तारीफ करते हैं उसकी कोई मूवी की या कोई वेब सीरीज की, जब लोगों से सुनती हूँ लोग बोलते हैं नहीं जरूर देखना बहुत अच्छा, तो मैं देख लेती हूँ। आपका 80 में जब आपने डेब्यू किया था, तब से लेकर 2023 में फिल्मों के स्तर के बारे में आपका क्या मानना है? साउथ बहुत बेहतर कर रहा है, अब ऑस्कर में भी साउथ की मूवीज आई, तो हिंदी सिनेमा को उस दृष्टिकोण से आज आप कहाँ देख रहे हैं? हिंदी सिनेमा भी बहुत अच्छा कर रहा है। क्या बेसिक चेंज आया 80 से लेकर जब राज कपूर ने? चेंजेस तो हमेशा ही आते हैं ना, चेंजेस तो मैं बता तो रही हूँ आपको। जब मैं अभी यहाँ पर आई तो देखा नए रोड्स बन गए हैं, सब नए हाईवेज बन गए हैं, पहले कच्ची सड़क होती थी। तो चेंजेस तो हर चीज में हर साल आते हैं, तो जो भी चेंजेस आए अच्छे के लिए आए हैं। उस वक्त भी अच्छा था अपने हिसाब से और आज भी अच्छा है। सालों तक बॉलीवुड को इंतजार रहा कि बड़ी हिट कोई सामने आवे और साउथ की फिल्में इस रीजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, तो कंटेंट की कमी आप महसूस कर रही हैं बॉलीवुड की फिल्मों में? हाँ, देखिए जो अच्छा कंटेंट बनाएगा, अच्छी मूवी बनाएगा, तो उसे कोई रोक नहीं सकता चलने से। हर इंसान, जितने भी आज ऑडियंस हैं, सब अच्छी चीज देखना चाहते हैं, तो अच्छी चीज बनाएंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। पुराने पिक्चरों में और आज की पिक्चरों में क्या फर्क आप महसूस करते हैं मंदाकिनी जी? फर्क बहुत अच्छा है जी, फर्क बहुत अच्छा है। पहले भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। टेक्निकली एडवांस हो गया है, ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है, तो जो उस वक्त ठीक लगता था लोगों को वो करते थे, आज के हिसाब से और बेटर हो गया है। वेलकम। क्या कुछ आपको डिफरेंस नजर आया सामाजिक एतबार से भी और सफाई के एतबार से भी? तो मैंने एक्चुअली देखा नहीं है उतना, पर आप लोग तो इस चीज में बहुत ज्यादा हैं, आप लोग तो जाते हैं, न्यूज बनाते हैं, देखते हैं, तो ये डिफरेंस मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। वो चला है क्योंकि आपने उठाया था राजकपूर साहब ने, जब बहुत इतना बड़ा आप। मैंने नहीं उठाया था, मैंने उस मूवी में काम किया था, मैंने उठाया नहीं था। राजकपूर जी की लेकिन हम मानते हैं कि उस समाज में जिस वक्त आपने वो इंस्पिरेशन, वो आज बहुत अच्छा हुआ है। इतने गंगा का सोच जो है उस फिल्म से शुरू हुई थी और उस फिल्म में ये एक तरह से गंगा की ब्रांड एम्बेसडर थी, है ना? और अभी बता रहा हूँ मैं कि आई थिंक मैं सर बिजी रहती हूँ घर में अपनी फैमिली के साथ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि सुबह से शाम कब होती पता ही नहीं चलता। बहुत सटीक बात। आप फैशन स्प्लैश में आए हैं, यहाँ पर बेटियाँ खासतौर से ग्राम की बेटियाँ हैं, ग्राम उससे निकली हैं, प्री बैचलर हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि आपने तो 1985 के अंदर फिल्म उसमें रखा था, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चियों को, बेटियों को जो आज फैशन और मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनना चाह रही है? देखिये, फैशन करना अच्छी बात है, अच्छा दिखना सबका हक है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना सबका राइट है। हर इंसान चाहता है वो अच्छा दिखे, अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंसान को अपनी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सुनिए, ऐसा करते हैं ना, अब वो
टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। एक लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट से रहने, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ यह थीम है हमारे चेयरमैन डॉक्टर एस सी कुलश्रेष्ठ साहब की, उसी के ऊपर आधारित 3 दिन के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो बेटियों के लिए क्या संदेश आपका होगा, बस ये लास्ट में, लास्ट आप ही का है क्या? नहीं, मेरा मेरा अपना लास्ट अपना मेरा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, बेटियां सबसे प्यारी चीज है, सबसे अच्छा भगवान का एक तोहफा है जो हर घर में होना चाहिए। ऐसा सुनने में आया है, लोग बोलते हैं कि जिस घर में बेटी नहीं होती इसका मतलब भगवान उनसे बहुत नाराज हैं, जिनसे भगवान खुश होते हैं उनको बेटी देते हैं। तो बेटी अपने आप में इतना प्यारा तोहफा है कि उसके लिए जितना भी आप कुछ कर सकते हैं करिए, पढ़ाना तो दूर की बात है, पढ़ाई से और भी बढ़कर जो कर सकते हैं करिए। लोग अभी इतना ऐसा कुछ याद नहीं है, कुछ तो चलो एक कोई डायलॉग ही, कुछ तो कुछ भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, कोई लाइन गा दीजिए उसका, मुजफ्फरनगर वाला का एक गाने की एक दो लाइनें गा दीजिए। इवेंट तो बड़े गांव में फैशन का अच्छा बुरा लोग कहते हैं, मंदाकिनी जी की लाइफ अलग है। अगर कोई बहुत हिट हीरोइन होकर भी फैमिली के लिए समर्पित है, फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही है, बच्चों के साथ समर्पित है, अपना लाइफ स्टाइल सेल्फ डिसिप्लिन कर रही है, योगा कर रही है, बच्चों को संस्कार कर रही है, हस्बैंड में ऑलरेडी काफी अच्छे संस्कार है, हस्बैंड हाईली लर्नड है, पीएचडी है, तो इतना बड़ा सुख है इसमें कि वो अगर ये फिल्म में और दो चार सीढ़ी चढ़ जाती तो वो सुख नहीं है जो सुकून और सुख अपने फैमिली लाइफ में जी रहे हैं। तो मेरा भी ये शौक है थोड़ा सा, और ये लोगों ने मेरा शौक बढ़ा दिया है, और ये अच्छा है, इसी वजह से आज आप यहाँ इस कैंपस में हैं।